नेपाली भाई लोग, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं न्यू दिल्ली से अभी आप लोग से बात कर रहा हूँ। ये वीडियो हो सके जितना भी शेयर कर देना। जैसे अभी लफड़ा चल रहा है सीमा को लेकर, जैसा मोदी जी ने कहा लिपुली हम लोग हमारा है, पर हमारा नहीं है भाई लोग, आप ही लोग का है। ये नेपाली का है, नेपाल का ही रहेगा। जिस तरह से मोदी जी जब से हिंदुस्तान में आए हैं तब से लफड़ा ही लफड़ा शुरू हुआ है। एक हिंदुस्तानी होकर भी ये बात को उछालना नहीं चाहिए था, पर क्या है, ईमानदारी के हिसाब से मोदी जी नेपाल का जितने भी जगह आपने ले रखा है वो फिरता कर दो। नेपाली लोग इतने अच्छे इंसान हैं और नेपाल से आप लड़ने को सोचते हो क्या? अरे इतनी बड़ी भारत है, दूसरे की जगह में नजर लगाने की यह आदत छोड़ दो मोदी जी। हर हिंदुस्तानी को आवश्यकता नहीं है, दूसरे की जगह की आवश्यकता नहीं है। नेपाली लोग इतने अच्छे हैं, किसी से आज तक वो लोग झुके नहीं है नेपाली। आप सोचते हो आपने स्टोरी शायद नहीं पढ़ा, आपने आज तक नेपाल नहीं झुका कभी किसी से। मोदी जी अगर आप ईमानदारी हिसाब से जैसा नक्शे में इंडिया का नक्शे के अंदर नेपाली भूमि है वो फिरता कर दें, क्योंकि नेपाली भाइयों ने आज तक किसी के साथ झुका भी नहीं है और किसी की जगह के सोचा भी नहीं है। आज इतने अच्छे रिलेशन है नेपाल इंडिया का, और वो आप खराब करने की सोच में हो तो ये रंग बात है। ऐसा मत करिए। आज एक हिंदुस्तानी होकर ये बात बोलना मेरे को नहीं चाहिए था, पर एक बात सोच लो, जो गलत है वो गलत है। हम हमेशा ही दूसरे से लड़ने को सोचते हैं, हम दूसरे के आंख लगाते हैं, इसलिए हम हमेशा मार खाते हैं। पाकिस्तान से हम, पाकिस्तान कितने साल से हम लोग के साथ लफड़ा कर रहा है, इसी से लफड़ा कर रहा है। जब लद्दाख में लफड़ा हुई थी सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी इतने आर्मी सेना के लोगों को मर गए थे, पर उनका हिसाब नहीं है। वो भाई लोग दिन रात खटे रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, हमारे लिए, पर वो दूसरे के चक्कर में लड़ लड़ के बिचारा का जिंदगी खराब हो चुका है। पर ये बात समझ लो मोदी जी, समझ लो, अभी सोच लो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश छोटा होगा नेपाल, पर नेपाल के लोग छोटे नहीं है। एक बात दिमाग खोल के सोच लो, नेपाल की जगह कितने भी हड़पे हो हम लोगों ने, वो फिरता होना चाहिए, जरूर फिरता होना चाहिए। हमारे साथ इतना अच्छा रिलेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको लूटे। वो छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है हम उनको लूटे। एक बात ध्यान से सुन लो मोदी जी, जिस दिन नेपाली भाई लोग रोड में उतर गए ना, संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। ये मत समझो नेपाली छोटे हैं, थोड़ा है, उनके पास कोई हाथ हथियार नहीं है। ये नहीं देखते हाथ हथियार, वो नहीं देखते, वो सिर्फ दिल देखते हैं। और जब रोड में उतर गया तो उनके हथियार अपने आप रेडी हो जाती है। कभी दूसरे की जगह पे आंख लगाने से सोचा करो, दूसरे को जगह में क्यों लगाना है आंख? इतना बड़ा हिंदुस्तान है हमारा, फिर भी हम छोटा सा बेचारा नेपाल को लूटने का सोचते हैं, ये गलत बात है। हम हमेशा दूसरे से लफड़ा करने के सोचते हैं, ये आप आने से हिंदुस्तान के अंदर इतनी लफड़ा हो चुकी है आपको नहीं मालूम? हम कहते हैं अभी अभी फिरता कर दिया जाए नेपाल को, जितने भी जगह नेपाल से हड़प्पे में है फिरता हो जाए। मैं भी दिल्ली के अंदर रहता हूं, मैं आपसे बात करने सोचता हूं, पर बात नहीं हो सकती हमारी। इस तरह से ना करो, ये गलत बात है, एकदम गलत सोच रहे हो आप लोग, एक गलत है, एक रॉन्ग है। ये नेपाली भूमि फिरता होना जरूरी है। नेपाली भाई लोगों को हम कहते हैं ना, नेपाली भाई लोग है, बहन लोग है, ये गलत बात है। हम ये वो लोग को बहन लोग बोलते हैं, भाई लोग बोलते हैं, हम लूटते हैं। ये सोच दिमाग से हटा दीजिए मोदी जी,
सब हिंदुस्तानी को जो आवाज सुनना जरूरी है। सब हिंदुस्तानी को सोच लो, हम किसी से लफड़ा नहीं चाहते, पर हम हमारे पास हाथ तैयार है, सब कुछ है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल एक छोटा सा देश है बोल के उसके साथ लफड़े की सोच रहे हैं हम लोग। नेपाली कभी गलत नहीं हो सकता, नेपाल ने कभी रंग नहीं किया किसी के साथ, ये मैं दावा करता हूं। और जितने भी भूमि नेपाल का हम लोगों ने हड़पी हो ना, वो फिरता होना चाहिए। मोदी जी एक बात ध्यान से सुन लो, जब नेपाली भाई अपने औकात में आ गए ना, तो फिर उस दिन तुमको भी याद आ जाएगा। तुम सोचते होगे ना हमारे इंडिया में कितनी आर्मी है, नेपाली भाई लोग कितने हैं इंडिया के अंदर आर्मी। जिस दिन वो भी उतरेंगे ना रोड में, इंडिया के सपोर्ट में नहीं उतरेगा, वो भी नेपाल में ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो नेपाली माँ का बेटा है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है अभी, ये बात सोच लो मोदी जी। नेपाली भाई लोग, ये वीडियो सबको शेयर करो, आप लोग हो सके ये आवाज मोदी जी सुन लें, इस तरह की हरकतें अब ना करें। मैं सबको नमस्कार करता हूँ, सब नेपालियों।